हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आपको नैनो वाली सीरीज़ अच्छी लग रही हो। यार इससे पहले भी मैं दो तीन वीडियोस डाल चुका हूँ टाटा नैनो से रिलेटेड, तो अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आपको और किस कार से रिलेटेड ऐसी एक वीडियोस चाहिए जिसमें मैं खुद पर्सनली एक्सपेरिमेंट करके फिर आपको रिव्यू ओवरव्यू दूँ। तो यार लोग कहते हैं कि नैनो की जब आप सर्विस कराने जाते हो तो इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते या ऐसा कुछ है, तो यार ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी लोकल वेंडर के पास जा रहे हो या अगर आप दिल्ली जैसी जगह पे रहते हो और आप डायरेक्टली कश्मीरी गेट जाओगे तो आपको हाथ के हाथ हर चीज़ मिल जाती है, या फिर आप किसी बड़े डीलर के पास जाओगे जो कि ऑटो पार्ट्स में है तो आपको एक या दो दिन में कश्मीरी गेट से सामान मंगवा देगा अगर मेजरली नहीं मिल रहा है तो। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नैनो में कितनी सर्विसिंग कॉस्ट पड़ती है, क्या क्या देखा जाता है और कैसे इसकी सर्विस करने में मैकेनिक नखरे कर सकते हैं या कैसे नहीं कर सकते। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यार बेसिक चीज़ों की। तो जो जो चीज़ें इसमें बेसिकली चेंज होती हैं वो होती हैं कूलेंट, जो कि नैनो में सिर्फ 1 लीटर डलता है, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, वाइपर का फ्रंट वाला एक सिंगल वाइपर होता है नैनो में, और एयर फिल्टर, और बस यही चीज़ें मेन होती हैं जो चेंज होती हैं। इसके अलावा आपकी ब्रेक चेक होती है, आपकी लाइट चेक होगी, और जो ड्रम्स वगैरह होते हैं उससे आपकी जो रस्टिंग होती है वो रिमूव करा के आप पेंट करा सकते हो उस पर ताकि वो रस्ट ना हो, और हेडलाइट चेक होती हैं, और ऑयलिंग जो आपका नैनो का जो गियर बॉक्स होता है वो थोड़ा वायर टाइप होता है, तो आप उसकी जो गियर बॉक्स है वो ऊपर गियर को ओपन करा कर थोड़ा सा वहाँ पर ऑयलिंग करवा सकते हो जिससे कि वो स्मूथ हो जाए और ज़्यादा। और बस यही इसमें चीज़ें होती हैं। और बेसिकली फ्रंट आपका जो होता है वो आपका रेडिएटर चेक होता है इसके अंदर कि रेडिएटर कहीं से लीक तो नहीं है, एसी की गैस कहीं से लीक तो नहीं है, आपका एसी अच्छे से कूल कर रहा है नहीं कर रहा। एक एसी के इशू भी आते हैं नैनो में, जो उसका फ़ैन जो होता है वो ख़राब हो जाता है, या कभी एक पर चल रहा है, दो पर तो, और तीन पर नहीं चल रहा है या सिर्फ तीन पर चल रहा है, तो उसके लिए भी एक वीडियो मैं लेके आऊँगा, उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। और इसके अलावा जो होता है आपके ब्रेक पैड वगैरह खुलते हैं वो चेक होते हैं, तो मेरी गाड़ी ज़्यादा चली नहीं थी तो इसका सारा कुछ नया ही था, और इंजन ऑयल और ये सारी चीज़ें जो थी ये मेरे को कॉस्ट करी थी अराउंड 1800। तो ये आपको अगेन वेरी करेगा जब आप वीडियो देख रहे हो प्राइस, क्योंकि ऊपर नीचे होता रहता है, आपको कम में भी मिल सकता है, ज़्यादा में भी मिल सकता है। और इसके अलावा मैकेनिक जो थे लोकल मैकेनिक आपसे 400-500 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे विद वॉशिंग इंक्लूडेड, तो आपका मोटा मोटा खर्चा 2500 के आसपास, 2200-2500 के आसपास आ जाएगा मेजर सर्विस का, जिसमें आपकी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो अगर आप देखोगे तो यार इसकी अगर मेजर सर्विस 2500 की होती है तो नॉर्मल सर्विस आई थिंक 1200-1500 के अंदर इसकी आराम से हो जाती है, तो कोई भी रनिंग कॉस्ट नहीं है यार। अगर आप कोई ढंग की बुलेट या बाइक भी ले रहे हो तो उसकी भी इससे ज़्यादा सर्विस कॉस्ट पड़ जाती है आपको। और इसके अलावा जो है मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि अगर आप नैनो कभी परचेज कर रहे हो तो आप नैनो पुरानी वाली ना लेके नैनो जेनेक्स लो, क्योंकि उसकी जो बूट है वो पीछे से आराम से खुल जाता है जिससे कि मैकेनिक भी इस गाड़ी को हाथ लगाने में ज़्यादा नखरे नहीं करते हैं। और अगर आपके पास पुरानी वाली नैनो है जिसका आपको पता है कि उसकी सीट फोल्ड करके अंदर से बोल्ट्स खोलकर फिर वो पैनल बाहर आता था जिसमें उसका शीशा वैसे ही रहता था, तो अगर वो वाली है तो उसमें हाँ यार मैकेनिक नखरे करते हैं, करने में कोई हाथ नहीं लगाना चाहता उसको, क्योंकि इजीली एक्सेस नहीं होता, और जितना टाइम वो आपकी एक गाड़ी पर लगा के 500 रुपये कमाएंगे उतने में वो दूसरी किसी गाड़ी पर आराम से 2-3 गाड़ियाँ आराम से कर लेंगे बोनट खोल के, तो ये रहता है। बाकी अगर आपके पास है पुरानी वाली तो यार अच्छे से रखो, और इतनी ही कॉस्ट पड़ती है यार नैनो की, ज़्यादा महंगी कॉस्टिंग नहीं है, और पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, नहीं भी मिलते तो बूडमो से भी आप मंगवा सकते हो, कोई स्पॉन्सर नहीं है यार बूडमो जैसी, और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं आप देख सकते हो नेट पे जाके। बाकी दिल्ली में कश्मीरी गेट पर आराम से सारे पार्ट्स मिल जाते हैं, व्हील कैप से लेके हर चीज़ टाटा की जो जेन्युइन आती है। और आप मायापुरी जा सकते हो यार, वहाँ पर भी आपको अगर जुगाड़ वाला सीन चाहिए, क्योंकि मेरे को तो कोई ऐसा जुगाड़ वाला सीन नहीं चाहिए था, तो मैं इसलिए एक एक चीज़ पूरी जेन्युइन करा रहा हूँ गाड़ी में कि मैं इसको काफ़ी लंबे टाइम तक रखूँ, अपनी एक्स्ट्रा कार भी बना के रखूँ तो काफ़ी लंबे टाइम तक रखूँ। तो यही थी यार छोटी सी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो। कोई भी क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा सारे कमेंट्स पढ़ने की और उनके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो बनाने की। तो कीप सपोर्टिंग अक्षत कपूर, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी फॉरवर्ड।